दे वर इन शॉक कि अभी इस साल अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो कहीं हमारी जो पूरी जर्नी है उस पर अफेक्ट ना पड़ जाए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा नारवानी। मेरी गेट 2020 की रैंक है 222 और उसकी वजह से मुझे गेट में आईआईटी मद्रास मिला 2020 में, और इसी साल जो प्लेसमेंट सेशन हुआ था हमारा आईआईटी मद्रास में, वहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो गया इस साल। अब मैं आपको अगर अपनी जर्नी बताऊँ फ्रॉम गेट टू माइक्रोसॉफ्ट, तो वो कुछ इस तरह थी कि मैं 2018 में सर के पास आया था। तो मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल फ्रॉम SGSIT इंदौर। सिंस मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पसंद आ रही थी कंप्यूटर साइंस, तो मैं उस तरफ गया। तो मैंने सर से पूछा कि सर कैसे मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ अपना अच्छे से। सर ने बोला कि एमटेक इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। तो मैंने सर की बात पे पूरा विश्वास किया, उन्होंने मुझे फुल मोटिवेट कर दिया कि कैसे मुझे गेट में अच्छी रैंक लाने तक के लिए वो मुझे पूरा गाइड करने वाले हैं। मैंने स्टार्ट किया सर की बात पे विश्वास करते हुए, और पूरे 2 साल मन लगाते हुए मैंने सर की बात पे विश्वास करते हुए और मैम की गाइडेंस, मैम है जो यहाँ पे हमारी, उनको गेट की फील्ड में, स्पेसिफिकली गेट CS की फील्ड में उनको वन वुमेन आर्मी बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि वो गेटेड जील पे वो एक साथ 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, 8 सब्जेक्ट्स वो अकेली मैम पढ़ाती हैं, और हर एक सब्जेक्ट में उनकी एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा है कि उनके जो उन्होंने बोला उसको कोई गलत प्रूफ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको हर चीज़ एकदम अच्छे से, हर चीज़ का आइडिया रहता है। उनने खूब बुक्स पढ़ी हुई हैं हर चीज़ की, उनको हर जगह हर फील्ड से सारे ब्रॉड वेज में उनको आइडिया रहता है चीज़ का। तो अभी मैं जब आया यहाँ पे, तो फ्रॉम बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज़्यादा आइडिया नहीं रहता कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पे एक साल में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पूरा आइडिया दे दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है विद स्टार्टिंग फ्रॉम DPP। आपको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ऑन द फर्स्ट डे, आप जब ज्वाइन करने आओगे आपको आपके पुराने 2 साल पुरानी एक DPP दे दी जाएगी, फिर उसके बाद वो आपको लगानी है, और उसके बाद मतलब आपने जिस ईयर में एनरोल किया हुआ है उस साल की आपको DPP सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिलती जाएगी, वो आपको लगानी है। तो ये आपके साथ मिनिमम 2, अगर आप 1 साल का कोर्स लेना है आपको मिनिमम 2 मिलेंगी, अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए आओगे आपको मिनिमम 3 DPPs मिलेंगी, बुकलेट्स मिलेंगी, वो आपको लगानी रहती है। फिर साथ ही साथ जैसे कि एक सब्जेक्ट चल रहा है तो सब्जेक्ट के साथ साथ उनके टेस्ट होते हैं, और सब्जेक्ट खत्म होते ही मेजर टेस्ट। तो ये सब हो जाने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है कि आपकी कोई मिस्टेक कहीं से भी हो पाए। आपकी स्मॉलर से स्मॉलर मिस्टेक जो आपकी हो रही होती है वो पहले आपके टॉपिक टेस्ट में चली जाती है, फिर उसके बाद जो मेजर टेस्ट आता है मेजर टेस्ट में भी आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम चली जाती है। तो मैम की और सर के गाइडेंस के अंदर, बाकी बसंत सर हैं यहाँ पे, वो मैथ और FT पढ़ाते हैं, उनसे अच्छा मैथ और FT तो मैंने अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है। वो IIT पटना से हैं खुद, उनको पूरा आइडिया है हर एक चीज़ का कि कैसे यहाँ पे क्या वर्क करता है, वो खुद अपनी सारी बुकलेट्स को अपने अंडर देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पे पूरी सारी फैकल्टीज एकदम फ्रेंडली है। मेरा फेवरेट पार्ट यहाँ का ये रह चुका है कि डाउट्स, हर बच्चे को डाउट्स आते हैं। अगेन बीइंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे भी कंप्यूटर साइंस में काफ़ी सारे डाउट्स आया करते थे कि ये क्यों हो रहा है, पॉइंट स्पेसिफिक ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कभी किसी ने नहीं बोला कि इतने डाउट क्यों, नहीं, पूछो डाउट उसके आंसर आते थे विद इन अ सेकेंड कि ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। और गेट में इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियर, गेट में 500 टॉप 200 आपकी रैंक कन्फर्म है। अब उसके बाद जैसे कि हम कोरोना वाले टाइम से हैं, तो 2020 में रिजल्ट आया, 13 मार्च को रिजल्ट आया, रैंक अच्छी आई, फिर काउंसलिंग हुई, IIT मद्रास मिला। अभी IIT मद्रास के बाद फिर अब ऑफलाइन सेशन था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग हमारे टाइम जो हमारे साथ 2020 में दिए थे वो दे वर इन शॉक कि अभी इस साल अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो कहीं हमारी जो पूरी जर्नी है उस पर अफेक्ट ना पड़ जाए। अभी ये सोचना ठीक है, I agree कि ये सोचना ठीक है, काफ़ी बच्चे सोचेंगे, मेरे काफ़ी दोस्तों ने सोचा, सही है, पर आप इस बात की कोई चिंता वाली, अब तो खैर काफ़ी कम हो गया है, पर उस टाइम पे भी जब हुआ था तो लोग बहुत चौक में थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर किसी कुछ कॉलेज अभी ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, पर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं होती है, सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा होता है। बहुत बड़े कंट्री वाइड लेवल के बड़े कॉलेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता अगर आपका IITs और NITs में भी हो जाता है। तो हमने ले लिया वहाँ पर एडमिशन। अब उसके बाद ऑनलाइन सब चलता है, और ऑनलाइन में भी लर्निंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, पर बीइंग फ्रॉम ए CS बैकग्राउंड आपके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारे के सारे CS के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको आपके साथ शेयर किया जाता है। जितने बड़े IITs हैं उनके पास हर चीज़ का लाइसेंस रहता है, हर चीज़ को आपके साथ ईजिली शेयर किया जाता है।
तो पढ़ने वाइज आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक हो गया आपका ये, और दूसरा हो गया आपकी पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब बारी आती है प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स तो हर आईआईटी के आपको पता ही है। एमटेक का मैं आपको बता दूं, ये इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी बीटेक किस तरफ से है। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है, सिविल से किया, एमटेक से किया, आप करंटली सीएस में हो, बस वही फर्क पड़ता है उन लोगों के, आप करंटली सीएस में हो, आपका सीवी अच्छा है, सीवी मैटर्स, आपने कितना अच्छा सीवी बनाया, आपने कितना अच्छे पॉइंटर्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमल पॉइंटर्स कहूंगा 7.5 टू 7 मेंटेन करना रहता है सारी कंपनीज में बैठने के लिए, कोई आपको मना नहीं करेगी 7.5 से ऊपर। ये हो जाने के बाद फिर उसके बाद सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यूज में आता है, फिर इंटरव्यूज में हमको मेरे को माइक्रोसॉफ्ट मिल गई थी वहाँ पे। फिर उसके बाद तो जब माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है, फिर मैम से आके मिलते हैं, तो फिर मैम का तो यही है कि कंप्लीटली अच्छा हो जाता है, मतलब कि बेसिकली कि जील एक फैमिली है मेरे लिए, तो टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि दो साल में एक ग्रोथ होती है इंसान की, कि कैसे इंसान ने किस लेवल पे इंसान आया था और किस लेवल पे उस जगह को छोड़ रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का यही मोटिव वो होता है, मोटिव कि आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये तो फैमिली है, मैं ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बोलूंगा इसको, कि यहाँ से आए थे और बिल्कुल एकदम एक्सपोनेंशियल ग्राफ था मेरी ग्रोथ का, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल से टॉप 222 रैंक, अंडर 500 रैंक विद आईआईटी मद्रास, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और उसका माइक्रोसॉफ्ट का प्लेसमेंट जो अभी लगा इस साल, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, ऑल द बेस्ट।